नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा नित्य प्रति आपको नवीनतम अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाता हूं और आशा है कि उन वीडियो से आप लोग लाभ उठाते हैं और इसके फीडबैक भी मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन अवश्य दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आप सबसे पहले हमारे चैनल को देख सकेंगे। मित्रों, 30 और 31 मई को 2019 को शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के इतने सारे दर्शक हैं, लोग किसी को यक्षिणी सिद्ध करना है, तो कोई अप्सरा साधना करना चाहता है, कोई महाविद्या साधना करना चाहता है, कोई और भी साधना करना चाहता है, किसी को रोग ने आ घेरा है, तो किसी को मामले मुकदमे परेशान कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को और भी तमाम ऐसी व्याधियां हैं जिनसे वो छुटकारा नहीं पा रहा है, इन सारी व्याधियों से निवृत्ति के लिए लोग शिविरों में आते हैं और अपनी साधना लेकर के जाते हैं। तत्पश्चात उनके उन समस्त कष्टों का समाधान स्वयं हो जाया करता है। इसलिए जिन लोगों को भी शिविर में आना है वो तुरंत ही अपना पंजीकरण करवा लें, क्योंकि बिना पंजीकरण के शिविर में भाग लेना संभव नहीं होता है। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर जो 9208774581 है, जिसको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, उस पर संपर्क करें या Call Me 4 ऐप के जरिए हमसे बात करें। Call Me 4 ऐप का लिंक है sushilkumarsharma@cmo। यह है Call Me 4 ऐप का हमारा आईडी का पता है, इस पर आप अपना बात कर सकते हैं और अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं, कंफर्म करवा सकते हैं। इस साधना शिविर में आप लोगों को इन सभी प्रकार की दीक्षाओं का, योग विज्ञान और आयुर्वेद की तथा कई प्रकार की गृह विद्याओं की शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जिसके के माध्यम से आप लोगों को अपने जो अभिप्सित आपका लक्ष्य है वो प्राप्त होता ही है और ये प्राप्त हो रहा है लोगों को। आशा है कि इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो मित्रों, साधना कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो कि एकदम आ जाए, और इतनी सरल भी नहीं होती है कि हर कोई इसको सिद्ध कर ले, और इतनी कठिन भी नहीं होती है कि हो भी ना सके। साधना सिद्ध होने के पश्चात उस साधना के लाभ व्यक्ति को मिलते हैं, आजीवन मिलते हैं। अगर वो किसी सात्विक देवी और देवता की साधना करता है तो उसको जीवन भर उससे लाभ मिलते हैं। इसके लिए बहुत सारी सिद्धियों की जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी साधनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। जीवन में अगर एक या दो ही साधना हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। मेरा तो विचार ये है कि सौ में साधनाएं ही व्यक्ति को करनी चाहिए, जिससे यह लोक और परलोक में उन लोगों को सुख और शांति प्राप्त हो सके। सौ में साधनाओं में माता की साधना है, फिर देवों की साधनाएं हैं, गणेश जी की साधना है और यक्षिणियों की साधना है, अप्सराओं की साधना है, ये सौ में साधनाओं में गिनी जाती है। हालांकि कुछ यक्षिणियां दुष्ट स्वभाव की होती हैं और उनकी साधना नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकांश यक्षिणियां और योगिनियां सौ में स्वभाव की होती हैं और इनकी जो आराधना करते हैं, इनकी साधना करते हैं, उनके जीवन में उनको क्षुण लाभ प्राप्त होता ही है। और ये जो यक्षिणी है ये भी देव वर्ग की ही है, क्योंकि धनराज कुबेर, धन के धनाध्यक्ष जो कुबेर जी हैं, ये उनकी जात की है और माता के सानिध्य में हमेशा ही रहती है, इसलिए थोड़ा ये विशेष शक्तियुक्त होती है।
और अपने साधक को भी ये अभिप्सित वरदान देती है। जैसे कि नटी यक्षिणी की साधना करके कोई भी व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में निष्णात हो जाता है, वट यक्षिणी की साधना करके जो वो अपने आप को योग्य बना लेता है, तो यक्षिणी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति को स्वर्ण निर्माण की क्रिया दे देती है और व्यक्ति स्वर्ण निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार से धनदा यक्षिणी है तो वो धन प्रदान करने वाली कही गई है। मदना यक्षिणी होती है तो ये मदना यक्षिणी व्यक्ति को एक अलौकिक गुटिका प्रदान करती है जिसको मुख में रख करके साधक अदृश्य तक हो सकता है। और इन यक्षिणियों की भी जो साधनाएं हैं तीन रूप में की जाती हैं। कोई इनको माता के रूप में सिद्ध करता है, कोई इनको बहन के रूप में सिद्ध करता है, कोई इनको प्रेमिका के रूप में सिद्ध करता है। जैसी साधक की इच्छा होती है उस हिसाब से उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। और जिस प्रकार से वो व्यक्ति साधना करता है उस हिसाब से उसकी डिग्री भी होती है। किस रूप में कितना लाभ प्राप्त कराएगी ये भी आपकी इच्छा पर निर्भर है। तो आशा है कि इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। और इसके अलावा जैसे ऋण नहीं जा रहा है, हमेशा कर्ज बना रहता है, तो ऋण हर्ता प्रयोग किया जाता है और ऋण हमेशा के लिए भगवान श्री हिरण्य यानी गणेश जी की कृपा से ऋण का नाश हो जाता है और धन का आगमन होता है। और धन प्राप्त की साधना में एक मंज घोष साधना होती है, वो बहुत कुछ ऐसी साधना होती है जो कि धन तो प्रदान करती है व्यक्ति को, पर वो कुछ अघोर टाइप की साधना होती है। और ये सलाह दी जाती है कि मंज घोष की साधना उसी व्यक्ति को करनी चाहिए जब उसकी सारी साधनाएं फेल हो चुकी हो, सारी साधनाएं होकर के या किसी के करने लायक ना हो, क्योंकि उसमें झूठे मुंह और झूठी थाली में मंत्र को लिखना पड़ता है और साधना काल में व्यक्ति दातून भी नहीं कर सकता, ब्रश भी नहीं कर सकता, तो थोड़ी सी अजीब साधना है। और ऐसी साधनाओं को करने का हम कतई भी प्रोत्साहन नहीं देते हैं, भले ही वो धनदायक हो या ना हो, हम उनको प्रोत्साहन नहीं दे सकते। तो केवल और केवल सात्विक साधनाएं पूर्ण विधि विधान से अगर की जाए तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे इसके गवाह हैं, पर कोई भी व्यक्ति जो है कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। हमारे शिष्यगणों में साधना जो साधक हैं वो कैमरे के सामने आने में उनको भय रहता है कि हमारी जो साधना है कहीं वो खंडित ना हो जाए। यद्यपि ऐसा नहीं होता, कुछ बातें छिपानी होती हैं, कुछ नहीं छिपानी होती हैं। खैर, अपनी अपनी जो उनकी अपनी धारणा है उसको हम सम्मान करते हैं। और इतना जरूर है कि सुख समृद्धि विज्ञान चैनल ये जो कुछ भी आपको बताएगा, जो कुछ भी सिखाएगा, जो कुछ भी कहेगा, वो सत्यता की परस्पर कठौती जो कसौटी पर वो खरी उतरे। बावजूद इसके हम कोई किसी को बिल्कुल गारंटी नहीं देते, हम किसी को झांसा नहीं देते। सिद्धि सिद्धिकर्ता पर निर्भर होती है, वह कैसे करता है वह उस पर निर्भर होता है। हम लोग तो केवल उचित मार्गदर्शन और सारी बातें बताते हैं। और अगर उस साधना के द्वारा कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य करता है तो वो उसका खुद जिम्मेदार होगा, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। साधनाओं के क्षेत्र में जो लोग कुतर्क करते हैं, तो ऐसे कुतर्क करने वाले साधक या मतलब दर्शक वो इस सारी सामग्री को गल्प समझे, कपोल कल्पित समझे। साधना मार्ग सबके लिए नहीं है, ये आस्थावान लोगों के लिए है। और एक नहीं हजारों उदाहरण हैं जब लोगों ने साधना करके सफलता प्राप्त की है, अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाया है। फिर भी अगर किसी को इसमें शक होता है तो शक का कहीं इलाज नहीं होता है और उनकी गारंटी भी हम
नहीं लेते हैं, नहीं देखते हैं। तो मित्रों पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि जो लोग इच्छुक हैं वो लोग आकर के साधना के शिविर में भाग ले सकते हैं और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आगे प्रयत्न कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।